भाई साहब यहाँ की वाइब कितनी अलग है, सब इतने बड़े बड़े मग्स में ड्रिंक्स पी रहे, इतने बड़े बड़े भाई साहब। क्रोकोडाइल भी है, क्रोकोडाइल ऐसे। हाँ, गोलगप्पे की तरह ऐसे। 1 2 3 ओके भाई, क्या हाल चाल है? तो हम आ गए हैं फुकेत। अरे अरे भैया, अरे आप भी आए हैं यहाँ पे? आज हम तीन जने घूमेंगे। फुकेत इज नॉट रेडी फॉर अस। क्यों? ऐसे बोलते हैं, वाइब होते हैं, मतलब किल मत क्या कर। चलो मिलते हैं। आ गए हैं हम फुकेत, यस। बड़े दिनों बाद, क्योंकि इतना ट्राई किया था हमने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पंगा है आने का। थाईलैंड पास चाहिए, कुछ कुछ चाहिए, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है यहाँ पे आने के लिए, अब कोविड की वजह से। मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। हमने रात को KFC लिया था, अब खाएंगे बेचारा पूरा ठंडा सूखा सूखा सौगी। कोई बात नहीं, कोई नहीं खा रहा है। हाँ मैं ही खाऊंगी, मैं तो यहाँ का खाना खाऊंगा। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो लिया है उसे पहले फिनिश करना चाहिए। तो पहली बियर फुकेत की। यहाँ का मजा ये है, यहाँ नॉर्मल सुपरमार्केट में बियर मिल जाती है। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमें बियर देने से मना कर दी, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग होती है 11 से 2 और 5 से 12 शाम को, तो अभी तो नहीं मिलेगी। हम बहुत जल्दी आ गए हैं, वैसे भी 9 बज रहे हैं, तो अभी चलते हैं होटल की तरफ ही। एक घंटा पूरा लगने वाला है, कोई नहीं। व्यू बहुत बढ़िया है। क्यों? यस, मजा आ रहा है। और ही तो क्या, पहली बार थाईलैंड। यस, इनका 12 बार 12th टाइम, साल में 2 बार तो जाने ही जाने, बट कोविड की वजह से। तो हमारे साथ ऑलरेडी एक गाइड है, गाइड जिन्हें पता है सब कुछ, तो मजा आएगा घूमने का। और भी आ गए हम बेस्ट वेस्टर्न होटल, ऑब्वियसली जल्दी आ गए हैं। रूम मिलेगा या नहीं कोई बात नहीं, हम बाहर घूमेंगे। आओ। तो हमने अपना बैग वैग रख दिया है, लेकिन रूम तो मिलना हमें लेट ही है, 2 बजे रूम मिलना है, और हमारे पास अभी भी 3-4 घंटे हैं, तो घूमेंगे और क्या करेंगे। और मेरे साथ ही पता नहीं कहाँ गए। बियर की तलाश में निकल चुके हैं हम, पता नहीं कब मिलेगी। बंगला बॉक्सिंग। हाँ, पैसे दे के बॉक्सिंग कर सकती है तू यहाँ पे, पैसे देने हैं थोड़े से और तेरे को बॉक्सिंग करा सकते हो। माय गॉड, कितना सही है। प्रोफेशनल रेसलर के साथ बॉक्सिंग कर सकते हो तुम। ओ भाई साहब, मैं तो पिट के आऊंगी। ये है बजान मार्केट, यहाँ की फ्रेश मार्केट, यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिलता है। यहाँ पे फ्रेश सब कुछ मिलता है, सब्जियाँ मसाले और फिश तो है ही ऑब्वियसली। सुपरमार्केट के बिल्कुल बाहर है इतना प्यारा सा टेंपल। यहाँ पे घूमने का एक ही तरीका है, स्कूटी। मस्त मस्त है, तो देखते हैं स्कूटी का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे। 600 से 700 रुपए की स्कूटी एक दिन के लिए। पेट्रोल ऐसे मिलता है, पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं है, डलवाओ स्कूटी, लो डलवाते रहो, रास्ते में हर जगह है। यहाँ पे एक ही लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश ऑब्वियसली, लेकिन उनको हमारी भाषा नहीं आती, हमें उनकी भाषा नहीं आती, तो क्या वो थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारी इंग्लिश और ख़राब हो जाती है। हाउ मेनी सिगरेट्स वांटिंग यू, टू मेनी सिगरेट्स वांटिंग मी। आ जाओ। ये रोड़े से थर्माकोल सा क्यों लगा रखा है? अब शराब ही है ना, कोई भी फोड़ सकता है बोतल, तो इन्हें कपड़े पहना के भेजे इन्हें। थाईलैंड, ये ले चलते हैं। रील के बिना हम नहीं रह सकते, रील तो बनेगी बनेगी। हमारी हालत है बहुत ही खराब, लेकिन हम आ गए हैं पतोंग बीच। हुर्रे, और कितने सारे छाते हैं मन्नी, प्यारे प्यारे पेस्टल कलर्स में। ये एरिया बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अभी सब कुछ रात को शुरू होगा, लेकिन वैसे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। इसी सेम जगह पे मैंने फोटो ली थी बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले। और इनके स्कूटर देखो क्या, यहाँ पे देखो टुक टुक होती है, और टुक टुक पे ये स्पीकर्स लगे हुए बड़े बड़े। भाई साहब, होटल का नाम स्लीप विद मी। ओ गॉड, किचन नंबर 1, किचन नंबर 9। हम ये खा रहे हैं ऑमलेट चिकन और राइस की स्टफिंग के साथ, 120 बाय। ये हमने कुछ और बोला था, कुछ और आ गया, तो कोई नहीं, खोलेंगे तो कुछ होएगा क्या इसमें? नहीं कुछ नहीं, ऑमलेट अंडा और चावल दे दिया। अरे यार, अंडे चावल आ गए यार।
हमने बोला था कि अंडे के ऑमलेट में अंदर स्टफिंग में चिकन और राइस दे रहा, उन्होंने चावल के ऊपर ऑमलेट डाल दिया। गाना पका के मसाले डालेंगे तब बनेगा कुछ ही। कुछ कुछ है यहाँ पे, माइलो मिलता था पहले हमारे यहाँ, फिर कोई याद है माइलो? अब यहाँ बाहर तो मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता। बियर का भंडार क्या लेना? चैंग तो नहीं लेने? चैंग चैंग के अलावा मिल क्या रहा है यहाँ पे? चैंग ही मिलती है यहाँ पे, दो तरह की बियर मिलती है, एक एलिफेंट वाली सिंगा, सिंगा लियो और चैंग। बारिश हो गई बढ़िया वाली, माइक को भी बचाना है, फोन को भी बचाना है, सब कुछ बचाना है। चलो चले होटल चलते हैं, देखते हैं रूम मिला है या नहीं तो ऊपर चलेंगे, नहाएंगे धोएंगे मजे करेंगे। स्विमिंग पूल है क्योंकि ऊपर, लेट्स बी क्लियर। तो हमें अपना रूम मिल गया, काफी अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा, और व्यू तो बहुत ही मस्त है। छोटा सा कॉम्पैक्ट रूम है ये, और इसकी बालकनी भी छोटी सी है, और व्यू कितना बड़ा है। लेकिन स्विमिंग करने चलते हैं ऊपर, एज सेड बाय लव्यम। रेडी हो जा जल्दी, मेरे शॉर्ट्स कहाँ हैं? शॉर्ट्स मेरे को, शॉर्ट्स निकालने दिल्ली पकड़। मैं रेडी हूँ। चलो चले स्विमिंग पूल, ये पूल पूल पूल। तेरी पूंछ लटक रही है। कोई नहीं, चलो चले स्विमिंग पूल। ओ भाई साहब आए मजे। बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी ना धूप नहीं है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो और इतना अच्छा परफेक्ट वेदर हो गया है। बेस्ट संडे एवर मन्नी। देखो 3 साल पहले हम लोग इस जगह पे फोटो खींच रहे थे, ये तुम्हारे को साइड में दिखाई देगा पिक्चर, ये देखो ये साइड में दिखाई दे रही है पिक्चर, हम लोग पिक्चर खींच रहे थे और ये एडिट कर रही थी सोनिया, घर पे बैठ के मैं नहीं आई थी। बताओ आज ये हमारे साथ बैठ के शूट कर रही है यहाँ पे। यस यस, आई एम नॉट द एडिटर एनीमोर। सीधा बारिश से धूप वाला मौसम हो चुका है, बहुत तगड़ी धूप आ गई है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है, दिल्ली जैसी धूप नहीं है। मैंने मेरे को धूप अच्छी नहीं लग रही। ओके बाय। ओए नकली लीविंग द फ्रेम। एक्टिंग तो कर ले। अरे क्यों करनी है जबरदस्ती। भाई हम सो गए थे सब और अब रेडी हो गए हैं, शाम को पार्टी करने के लिए तैयार है। शाम हो रही है, रात की पार्टी के लिए बहुत जल्दी आ गए, हम हर चीज के लिए बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो चलो पार्टी करते हैं। पार्टी पार्टी पार्टी। स्कूटी हमने सोचा कि कल ही लेंगे, बाय बाय स्कूटी, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है स्कूटी की, आसपास घूमते हैं फिर कल दूर जाने के लिए स्कूटी लेंगे। तो आओ, वैसे भी पैदल के रास्ते पे पार्टी है यहाँ पे। खाने को इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, लेकिन अपने आप को रोकना पड़ेगा क्योंकि अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, अभी पार्टी करनी है, अभी पार्टी करनी है। बार बार पार्टी नहीं बोलूँगा तो मेरा सर फाड़ दोगे। अब आगे जो रोड आ रही है ना, उसमें हमें एक दूसरे की आवाज़ नहीं आनी, तो तुम्हें तो मैं क्या ही बात बताऊँगा, इसलिए सिर्फ देखो, सिर्फ देखो। अभी सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी शाम हो रही है, ऑब्वियसली बस शुरू होने वाली है। तो कुछ खा लेते हैं, लेकिन कुछ बढ़िया खाएंगे, ज्यादा भर के नहीं खाएंगे, वो है ओयस्टर्स। ओयस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे सी फूड वाले रेस्टोरेंट जो थे ना वो बंद हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी एक है, तो क्या पता यहाँ पे कुछ बढ़िया मिल जाए। भैया बता रहे कोविड की वजह से बहुत सारी जगह ना बंद हो गई, ये तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस खुली हुई थी जब हम भी आए थे ना लास्ट टाइम, तब बहुत सारी प्लेसेस खुली हुई थी, सी फूड वाली भी और भी बहुत सारी जगह, और सब बंद हो गया कोविड की वजह से। ऑब्वियसली कोई आ नहीं रहा और टूरिस्ट से ही इनका चलता है, तो टूरिस्ट ही नहीं आ रहे थे तो कैसे ही चलता कुछ। तो हमारे ऑयस्टर्स एक्सपर्ट बताएंगे कि कैसे ऑयस्टर्स बनाते हैं। देखो ऑयस्टर्स बनाने की टेक्निक बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट निंजा टेक्निक के बराबर। इसको पहले हम नीचे से क्लियर करेंगे, अब ये यहाँ से निकल चुका है। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़ा सा, ये क्या है? ये है यहाँ का थाई स्पेशल चिली चटनी बोल सकते हो तुम लोग। अब हम लोग लेंगे इसमें थोड़े से कच्चे गार्लिक, गार्लिक
थोड़ा सा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी यम्मी चिली सोया सॉस। मैं वो पानी आ रहा है इधर। इसमें हम लेंगे फ्राइड अनियन और लेंगे बहुत सारा नींबू। हाँ गोलगप्पे की तरह ऐसे स्लाइड। 1 2 3 वो यम्मी। मैंने तो कहा ही था बहुत मस्त था, बहुत ही ज्यादा, और हम ये खाते रहेंगे। ये है इस बीच की सबसे बड़ी फिश मार्केट। यहाँ पे हर चीज मिलती है, हर चीज खाने की। आओ यहाँ पूरा सब चेंज हो गया है, अब लग रहा है कि हाँ माहौल थोड़ा सा बना है। बेसिकली यहाँ पे ये लोग परमिशन ले रहे हैं कि हम शूट कर पाए अंदर कुकिंग एंड ऑल। इसे हमने मारा नहीं है, ये पहले से ही मरा हुआ है और ये खाना बनने जा रहा है। पहली बार लॉबस्टर खाया जब वो आया टेबल पे, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा ये क्या पूरा पका दिया इतना बड़ा सा, बट यम। फर्स्ट एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे भाई साहब। हमारा सहयोग दिया मिस्टर अनुप भारद्वाज जी ने भी, थैंक यू। ओके बाय। एक्टिंग करने के पैसे मिले हैं। बाहुबली नमस्ते नमस्ते। उस रोड पे तो कुछ ज्यादा ही शोर और कुछ ज्यादा ही मजे थे। कुछ ज्यादा ही मजे। हम बीच पे आ गए हैं, पटोंग बीच। और यहाँ गेम्स चल रही है भाई। येलो टीम जीतेगी या रेड टीम जीतेगी? मन्नी देखते हैं भैया। येलो, ये गोल गया। मन्नी का रेड, येलो जीते। येलो बोला था। मैं भी कह ही रहा था कि कोई तो जीतेगी, कोई जीत गई। ये क्या भाई, ये कौन सी एस्ट्रे होती है? अभी पता है तुम्हें क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे खाली, और हमने सब कुछ कर लिया है, हमने बहुत चीजें कर ली है, पूरा घूम लिया हमने, पटोंग बीच पूरा घूम लिया है, मजा आ रहा है। लेकिन अभी पूरा दिन बचा है, पूरी रात बची है, दिन तो नहीं बचा, रात बची है। हमारा दिन ही है वो। हमारा दिन है और यहाँ पे अभी तो शुरू हुआ है सब कुछ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो कैन यू कीप अप? कैन यू? मैं तो हाँ। लग नहीं रहा। हम बूढ़े हो गए, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी जवानी में बुढ़ापा आ गया। मेरी पार्टी शुरू है, मैं तो हमें अपने इंडियन गाने तो मिल ही जाते हो। इश्क मिठा ओहो गोरे नाल, इश्क मिठा गोरे नाल, इश्क मिठा। हम फिर से कोई और मार्केट में घुस गए। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई कोई मस्त मस्त मार्केट आ रही है। कितनी मस्त लाइटिंग है यार, लाइक प्रॉपर वाइब्स। Finally, after a long day, मसाज की जरूरत है हमें। 11 बजे रात को। चलो और हम आए नाइस मसाज पे। Let's go. मसाज गैंग। मैं तो हमेशा से कहता था बैंकॉक अच्छी जगह है, लोग गलत बात समझते हैं। हाँ अच्छी जगह है, नॉर्मल। क्या बातें कर रहे हो तुम? नहीं वो बता रहे कि ठीक ना लगे तो बता दियो। मेरे से तो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा, ठीक लगे ना लगे तो बता दे तेरे से। मैं अच्छा लड़का। इन लोगों ने पैर पे इतना तेल लगा दिया है, हम लोग होटल तक मून वॉक करके जाने वाले। मैं तो फिसल जाऊँ सच्ची में, तेल हम तेल हो गया। मेरे को ऐसा फील कभी नहीं हुआ
मैं रिलैक्स करने की जगह ऐसे हो रही हूँ, झनझनाहट हो रही। मसाज करा के हम हो गए हैं रिलैक्स, यहाँ पे बहुत खाना स्टार्ट हो गया तो फ्यूम्स आ रही है। रात को 12 बजे खाना स्टार्ट हो गया यहाँ पे और हम निकल गए तलाश में, और भाई साहब क्या क्या चीजें दिख रही है। मुर्गी का ब्लड केक, तो ना यहाँ पे उसके ब्लड से बनता है केक, ब्लड केक, ब्लड केक।